ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से, तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए और साथ ही अपनी गाड़ी ओवरलोड होने का एक नुकसान ये भी देखिए। जैसे आप देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर में गन्ने लोड किए हुए हैं। इस ट्रैक्टर पर वजन इतना ज्यादा है कि वो इस रास्ते के बीचों बीच फंस चुका है और उसे क्रेन की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पर ट्रैक्टर में भार इतना ज्यादा था कि क्रेन से जोर से खींचे जाने पर ट्रैक्टर तो वहां से नहीं निकल पाया, लेकिन उसकी आगे की बॉडी जरूर टूट कर बाहर निकल गई। और तो और, इस नुकसान का कोई क्लेम भी नहीं मिल सकता, वजह साफ है, ओवरलोडिंग। तो हमारे भी यहाँ कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस यही कहेंगे कि नुकसान से बेहतर बचाव है। ये वायरल वीडियो सामने आया है, ये वीडियो सोशल मीडिया से हमें मिला। आइए आपको दिखाते हैं पेट्रोल पंप वालों की ये हरकत। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। जगह तो हमें पता नहीं चल पाई है, लेकिन एक चीज सबूत के साथ साफ साफ पता लग गई है, और वो है पेट्रोल पंप वालों द्वारा की जाने वाली लोगों के साथ धोखाधड़ी, या फिर साफ साफ शब्दों में चोरी कह लीजिए। पर कुछ लोगों ने इनकी चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनकी ही की जाने वाली इस हरकत को दोहराया। और देखिए, इस वीडियो में मीटर तो तेजी से घूम रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं जुटा पाए। और गनीमत है, लोगों द्वारा इस हरकत की वीडियो बना ली गई और उसे वायरल कर दिया गया। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल तो पूरा भरवाया था, लेकिन गाड़ी ने एवरेज नहीं दी, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है। ये वायरल वीडियो है, इसे व्हाट्सएप पर कुछ व्यूअर्स ने हमारे साथ शेयर किया है। ये बाइक के नंबर जो है DL13SN2247, इसे पता चलता है कि ये घटना दिल्ली की है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह लोगों का गुस्सा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बरस रहा है। इस बात की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस कर्मियों की पिटाई के पीछे की वजह चलान बताई जा रही है। और देखिए ट्रैफिक पुलिस वाला किस तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इस घटना से ये भी पता चलता है कि नाजायज चलानों के बढ़े हुए दामों और बेवजह वसूलियों की वजह से लोगों के अंदर बेहद रोष है। ये खबर राजस्थान से है। भरतपुर राजस्थान के निवासी अली शेर खान ने बताया कि 10 जनवरी को ये अपनी गाड़ी, जिसका नंबर HR58B3577 है, इसमें बद्दी HP से पाउडर भर के पूना की ओर जा रहे थे। रात के करीब 12 बजे रास्ते में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ बाईपास पर RTO ने इनकी गाड़ी को रुकवाया और ₹1500 एंट्री मांगी। जब इन्होंने एंट्री देने से इनकार कर दिया, तो RTO ने इन चालक के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, और जब इतना करने के बाद भी RTO का दिल नहीं भरा, तो इनकी गाड़ी अंडर हाइट होने के बावजूद उसका ओवर हाइट का चलान काट दिया ₹5000 और पर्ची इनके हाथ में थमा दी, और तब तक उनको वहां से नहीं जाने दिया जब तक कि इन्होंने चलान का भुगतान नहीं कर दिया। और साथ ही साथ गाड़ी वाले ने ये भी बताया कि ये RTO अपना सब काम धाम छोड़कर यहीं पर चित्तौड़गढ़ बाईपास पर ही मौजूद रहता है और यूं ही गाड़ी वालों को परेशान किया करता है। जम्मू कश्मीर से ये अगली खबर। बारामुल्ला जम्मू कश्मीर के रहने वाले ये गाड़ी वाले हैं मयासर अहमद। ये कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी में फ्रूट लोड करके कश्मीर से त्रिपुरा के गांव अगरतला जा रहे थे। रास्ते में जम्मू से 50 किलोमीटर आगे उधमपुर में इनकी गाड़ी को 2-3 पुलिस वालों ने रुकवाया और उनसे ₹500 एंट्री मांगी। इन्होंने कहा कि इनके गाड़ी के कागज पूरे हैं तो वो एंट्री नहीं देंगे। फिर इनसे कहा गया कि वो लोकल हैं, इसीलिए इनसे ₹500 एंट्री मांगी जा रही है। बाहर की गाड़ी वालों से ₹1500 से ₹2000 एंट्री ली जाती है। उसके बाद भी जब ड्राइवर ने एंट्री देने से मना कर दिया, तो उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज तो की ही, साथ ही साथ उनके गाड़ी के शीशे पर डंडा मारकर उसे तोड़ भी दिया गया। चालक ने यह भी बताया कि यहाँ पर हमेशा 2-3 वर्दी वाले गुंडे लोगों को परेशान किया करते हैं, एंट्री मांगा करते हैं, और इनके 2-3 ऑफिसर्स हैं जो पास में ही एक गाड़ी में बैठे रहते हैं। अगली खबर रूस की है। ये तो अक्सर सुना होगा कि लोग प्यार में चांद तारे तक तोड़कर लाने के बेहद नामुमकिन से दावे किया करते हैं, लेकिन ऐसी ही एक नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया है 34 साल के रूस के इवान मैकिन ने। इन्होंने 2018 टन वजन रखने वाली ट्रेन को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने बताया कि इनका असल मकसद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नहीं था, बल्कि अपने होने वाली पत्नी को प्रभावित करने का था। उन्होंने ये ट्रेन व्लादिवोस्तोक शहर में खींची थी।
इवान रूस में ह्यूमन माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से इस उपलब्धि के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे और उनका अगला उद्देश्य है 12,000 टन वजन रखने वाली शिप को खींचना। और ये भी बताया जा रहा है कि मांसपेशियों की शक्ति से इतना वजन खींचने का ये पहला मामला सामने आया है। ये खबर मध्य प्रदेश से है। नूहू हरियाणा के निवासी सैयद रहमान, ये हरियाणा की एक बॉम्बे पंजाब कंपनी के ड्राइवर हैं। इन्होंने बताया कि 10 तारीख को धारवेड़ा गुड़गांव से ये गाड़ी लोड करके निकले थे तेलंगाना के लिए। इनके साथ 5 गाड़ियां और भी थी। रास्ते में मध्य प्रदेश के सीकरी डिस्ट्रिक्ट में नागपुर जबलपुर हाईवे पर एक ढाबा है, हरियाणा मेवात ढाबा। ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के ठीक सामने पड़ता है। रात में यहाँ पर चालकों ने अपनी गाड़ियों को लगाया और यहीं पर आराम करने के लिए रुक गए। सुबह उठकर इन्होंने देखा कि इनकी 6 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों का 300-300 डीजल चोरी हो गया है। इनके डीजल वाली टैंकी के ढक्कन टूटे हुए थे और थोड़ा डीजल भी जमीन पर बिखरा हुआ था। चालक ने बताया कि चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि गाड़ी वालों को इस गतिविधि के बारे में भनक तक नहीं लगी। हालांकि जो गाड़ी वाले थे वो गाड़ी के बीच में ही सो रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उन्होंने कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन पुलिस वाले भी ढाबे वालों का साथ देते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही पुलिस ने इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इस बात से चोरी का सीधा सीधा शक किन पर जाता है ये भी बताने की हमें जरूरत नहीं लगती। ये गुजरात की खबर है। जूनागढ़ के रहने वाले विष्णु राकेश ने बताया कि इनके बड़े भाई विष्णु मथेश 6 जनवरी को इनकी आयशर गाड़ी में जूनागढ़ से राजकोट जा रहे थे। रास्ते में पिथड़िया नाम से टोल प्लाजा आता है, वहां पर इनके फास्टैग से 5 मिनट के अंदर अंदर 65 रुपए का 2 बार टोल कटा। रात 12:35 और 12:40 पर गाड़ी मालिक ने बताया कि जब इनके भाई फास्टैग लेन से गुजरे तो टोल वालों ने कहा कि ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ है, इसलिए उनको दोबारा से गाड़ी को थोड़ा सा पीछे मोड़कर फिर से वहां से निकालना होगा और चालक ने ऐसा ही किया। टोल से जाने के 5 मिनट बाद वो क्या देखते हैं कि फिर से उनके फास्टैग अकाउंट से 65 रुपए कट चुके हैं। चालक ने जहां से फास्टैग लगवाया था जब उन कंपनी वालों से जाकर ऐसा होने का कारण पूछा तो कंपनी वालों ने बड़ा ही अजीब सा जवाब उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार फास्टैग लगवाया था, इसलिए उसको रजिस्टर करवाने के लिए टोल वालों ने गाड़ी को 2 बार आगे पीछे करवाया और इसीलिए इनका 2 बार टोल भी कटा। तो इस सारी बात का मतलब ये निकलता है कि जनता को इतना बेवकूफ समझा जाता है कि जब जवाब देने के लिए कुछ ना हो तो उनको कोई भी बहाना चिपका डालो। ये बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है हरियाणा से। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर सरसीणी के नजदीक 3 जनवरी को देर रात 2 बजे धुंध की वजह से एक कैंटर और ट्रेलर के बीच में भयंकर टक्कर हो गई। बताया गया कि ट्रेलर को लेहली गांव के पास से ही मुड़ना था, लेकिन चालक ने गलती से उसको सरसीणी की तरफ मोड़ दिया और वहां से पता पूछने के बाद जब वो दोबारा हाईवे पर चढ़ने लगे तो अंबाला से प्याज से भरा हुआ टैंकर इतनी तेज गति से आ रहा था कि वो जाकर ट्रेलर में टकरा गया और उसकी वजह से ट्रेलर और टैंकर में बुरी तरह से आग लग गई। ट्रेलर का दरवाजा और खिड़की ना खुलने की वजह से चालक और परिचालक अंदर ही बंद रह गए और वो बुरी तरह से जल गए। वहीं दूसरी ओर कैंटर के चालक और परिचालक ने कैबिन से कूदकर अपनी जान बचा ली। अंबाला और डेरा बस्सी की फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया और ये भी बताया कि ट्रेलर के अंदर 100 से ज्यादा गैर ज्वलनशील केमिकल के ड्रम लोड थे जो आग की चपेट में आकर लीक हो गए थे। और गनीमत है कि जो केमिकल था वो गैर ज्वलनशील था, अगर ज्वलनशील होता तो अंबाला और चंडीगढ़ के हाईवे पर तबाही मच सकती थी, क्योंकि घटनास्थल के बिल्कुल पास भारत गैस का LPG प्लांट था और साथ ही कई फैक्ट्रीज भी थी और खबर मिलने तक मृतकों की शिनाख्त जारी थी। बिहार से ये खबर है। ये व्यक्ति हैं गुरदेव सिंह, ये करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी अशोक लेलैंड, नंबर है PB13BF5782। इसमें ये 3 जनवरी को बिहार के हाजीपुर से मसरत की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक चौक पर इन्हें कुछ गुंडों द्वारा जबरन रोका गया और कहा गया कि मुजफ्फरपुर से छपरा के बीच एक नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा आता है सोनो फी प्लाजा के नाम से, वहां पर इनको जाकर टोल कटवाना पड़ेगा। चालक को मजबूरी में 7-8 किलोमीटर मुड़ के वहां पर जाना पड़ा, पर बात वहीं पर खत्म नहीं हुई।
एलसीवी का यहाँ पर टोल रेट है 55 रुपए, लेकिन टोल वालों ने इनकी 6 चक्का गाड़ी के 55 रुपए लेने के बजाय तकरीबन 14 चक्का गाड़ी जितने पैसे वसूले, जो थे 170 रुपए, और 14 चक्का गाड़ी का यहाँ पर टोल रेट है 175 रुपए। आप टोल रेट्स की लिस्ट यहाँ पर टोल के बोर्ड पर भी देख सकते हैं। चालक ने यह भी बताया कि हाजीपुर से मसरत जाते हुए गाड़ी वालों को इन टोल गुंडों द्वारा यूं ही परेशान किया जाता है, और ये बात भी हजम करनी काफी मुश्किल लगती है कि जनता को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या सचमुच प्रशासन तक कोई बात नहीं पहुंच पा रही। तो आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज, और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।